बेटे के सामने बदमाशों ने कारोबारी पिता को गोलियों से भुना। सावधान, अगर तेज म्यूजिक सुनने के शौकीन है तो जरा संभल जाइए। रामनाथ कोविंद ने किया 56 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। बेटी के सामने बदमाशों ने कारोबारी के पिता को गोलियों से भुना। आरोपी गिरफ्तार। नई दिल्ली गाजियाबाद में 27 फरवरी को हुए तेल कारोबारी के हत्या मामले में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विपिन के गिरफ्तार होने के बाद चौंकाने वाला राज सामने आया है। बता दें कि तेल कारोबारी की हत्या का प्लान एक ग्राहक बनकर भुना गया था। मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली इलाके में बीती 27 फरवरी को कई गोलियां चली थी। बदमाशों के निशाने पर तेल कारोबारी विजेंद्र गर्ग थे, उनको कई गोलियां से मारा गया था। मिली जानकारी के मुताबिक 7 लाख रुपए लेकर घर लौटते वक्त बेटी के सामने ही पिता को गोलियों से मार डाला। सावधान, अगर तेज म्यूजिक सुनने के शौकीन है तो जरा समझ जाइए। नई दिल्ली रायपुर लगातार शोर शराबे के बीच में रहने से कान को नुकसान पहुंचता है और इंसान की सुनने की क्षमता घटने में लगती है। डीएचओ का आंकड़ा बताता है कि दुनिया में 12 से 35 वर्ष के उम्र में 1 अरब से ज्यादा युवा मनोरंजन के लिए शोर के उच्च स्तर के बीच रहते हैं, जिसमें उन्हें बाद में सुनने में दिक्कतें हो सकती हैं। आंकड़ा कहता है कि दुनिया भर में लगभग 46.6 करोड़ लोगों को सुनने में कठिनाई होती है। जरा समझ जाइए, नहीं तो आप हो सकते हैं इसका शिकार। रामनाथ कोविंद ने किया 56 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित। नई दिल्ली रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में आज 56 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। हालांकि इस पुरस्कार के लिए 112 लोगों को चुना गया था, लेकिन बाकी के लोगों को 16 मार्च को इस पुरस्कार को सम्मानित किया जाएगा। प्रभु देवा भी है इसमें शामिल। साथ ही साथ संगीतकार से लेकर तो क्रिकेटर तक यहां सम्मानित किए गए हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।